अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। मैं सीएम शाहबाज खान, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट और बैंगलोर सेंट्रल और बैंगलोर साउथ का एमपी कैंडिडेट। आप सब लोगों से इल्तिजा है, जितने भी मेरे भाई बहना बैंगलोर सेंट्रल के अंदर और साउथ के अंदर है, सब लोग एक बार मुझे वोट दियो। क्यों अगर को बोले तो आज तक तुम ना खाली भरोसा दी, वादा करी और उसके बाद में जिंदगी में उन्होंने पूरा नहीं करे। हमारे अंदर सियासत जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी, हजरत उमर जैसी, हजरत अली जैसी आनी चाहिए थी, वो सियासत आज तक कहीं पे नजर नहीं आई। लेकिन आज जब हमें करने जा रही तो बेंगलोर साउथ सेंट्रल रूरल नॉर्थ के अंदर चारों जगह मेरे कैंडिडेट से इनको आपका वोट देना आपका सख्त जरूरत है। क्यों अगर को बोले तो हमें यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी की तरफ से झूठे वादे नहीं कर रहे, झूठा दिलासा नहीं दे रहे, हमें जीते ये करती वो करती, यहां तक कि यहां के कारपोरेटर एमएलए को एमएलए के स्पेलिंग नहीं मालूम, क्या करना अगर को बोल को हमारे जैसे नौजवानों को पढ़े लिखों को आप वोट दिए तो आपकी फैमिलियों में देखो यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी की तरफ से हमें हर एक आदमी को प्रमाण पत्र दे रही जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का आप कहीं पर भी लोन लिए हो, कहां तभी आप लोन लेकर हो, तुम्हें वो लोन भरने की जरूरत नहीं है। मैं एमपी कैंडिडेट मैं जीत को ये लोन भरता हूं और इसके अंदर 2 लाख रुपए तक की स्कूल की फीस जो है वो आपके स्कूल की फीस मैं पे करता हूं। जबकि एक एमपी बन को वो क्यों पे करता हूं, क्यों होना, तो ये बड़े बड़े जितने भी एमपी आज तक दिग्गज खड़को हारी ना, ये लोग जीती ना, उन लोग आंखों मेरे से बात कर दे, यही मीडिया के थ्रू मैं उनसे बात करता हूं। ये झूठा वादा झूठा दिलासा नहीं है, ये प्रमाण पत्र अग्रीमेंट पेपर के अंदर अग्रीमेंट करके दे रहा हूं। मैं तुमने हर एक के घर को 1 रुपया पैसे नहीं सरका, मैं अपने पैसा से तुम्हारे लोगों को कौन भी बेंगलुरु सेंट्रल साउथ नॉर्थ रूरल के अंदर सेंट्रल और साउथ के अंदर मैं खुद कंटेस्ट करके हूं। कौन एक बच्चा भी है ना किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, किसी भी बैंक में, किसी भी एनबीएफसी कंपनी में खर्च लेकर रहे तो संज्ञा में यहां वहां काम तभी तुम्हें खर्च करके रहे तो पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन 1 रुपया ईएमआई पे करो को की होगा तो पूछे तो ना कहीं को नहीं पे करनी तो देखो भाई एमपी कैंडिडेट हमने भरोसा देखो है, प्रमाण पत्र देखो है, हमें पे करने नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस कितने के लोगों के डूब गए, कई लोगों के बेघर हो गए, आज भी लोग परेशान ही। आप तुम्हारे घर के सामने आको एजेंट आको तुम्हारा धमकियां देती, पुलिस स्टेशन में लोक अदालत में कंप्लेंट करती, लोक अदालत से नोटिस आते, पुलिस स्टेशन में बुला भेजती, सेटलमेंट करती, बोलती ऐसा किसी भी चीज के बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर रहता, आप बेझिझक आप कॉल करो, मेरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास में ऑफिस को आओ और ऑफिस को आकर यह पत्र हासिल करो। तुम्हें लोग हासिल कर को किसी भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे, हमारी 2 स्कीम यंग स्टार खर्ज से आजादी योजना और यंग स्टार भारत स्कूल फीस से आजादी योजना, केवल ये 2 स्कीम। इसके अंदर जो यंग स्टार भारत स्कूल फीस से आजादी योजना है उसमें 2 लाख रुपए तक के आपके बच्चे कोई भी प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ सकती। यंग स्टार खर्ज से आजादी योजना में 5 लाख रुपए तक का खर्ज आपको भरने की जरूरत नहीं है। किस तरीके पर क्या बेस पर ये पार्टी वाले बोल रही, मैं एक नेशनल प्रेसिडेंट, मेरी पार्टी के पूरे इंडिया के अंदर एमपी कैंडिडेट लगभग 150 से करीब कैंडिडेट कंटेस्ट कर रही और मेरी पार्टी से 95 एमएलए कैंडिडेट्स हमें कंटेस्ट करको जमीर भाई की आदेश पर हमें जो है इंडिया के साथ अलायंस करको कांग्रेस के साथ हमें कांग्रेस से जुड़ को ही। लेकिन ये बेंगलुरु के जो 4 क्षेत्र है ये आपको बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रउडिज्म का अड्डा होगा, ये सारी चीजों को रोकने के लिए किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए आप आको हमारे पास ये पत्र हासिल करो, लेकर जाको अपने बच्चों के स्कूलों में और जो है बैंकों में सबमिट करो, हमें 3 महीने तुम्हारा पैसे पे करना नहीं होता और वोट जो है केवल केवल मुझे दियो। आप बेंगलुरु सेंट्रल और साउथ से मैं एमपी कैंडिडेट होको आपके क्षेत्र में आको हो, मैं एमपी कैंडिडेट होको आपके क्षेत्र में एमपी कैंडिडेट होको इलेक्शन लड़ रहा हूं तो बेंगलुरु सेंट्रल और साउथ के लोगों से गुजारिश है 5 लाख रुपए तक का किसी भी तरीके का लोन मत भरो और जो स्कूलों की फीस मत भरो, ये हमारा प्रमाण पत्र लेके जाकर सबमिट करो। किसी भी तरीके का किसी को भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें सब एजुकेटेड लोग मिलकर सारे इकट्ठा होकर इस बार जो है देश में बदलाव लाने की जरूरत है। नौजवानों आगे आओ, क्यों करके बोले तो हम सबको इकट्ठा होकर इस जंग में आपको मेरा साथ देना है। धन्यवाद।